हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली DSSSB ने अपना जो TCET का वैकेंसीज है 2024 का वो रिलीज कर दिया है और न्यूज़पेपर में निकल चुका है। आपको बहुत जल्द जो है ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है DSSSB का, वहाँ पे इसका नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसमें कितने पदों पर वैकेंसीज आई है एंड मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज देख ली होगी, बट इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें कवर की है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या सीटेड अपीयरिंग वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, जो कि 21 जनवरी को पेपर है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, इसमें से कौन जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, एग्जाम आपका कब तक होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपके डाउट्स हैं सारी इस वीडियो में कवर कराई जाएगी। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। चलो फाइनली, आपको पता है कि हमारा जनवरी चल ही रहा है और एक वैकेंसीज जो कि काफी समय से इसके बारे में चर्चा हो रही थी, DSSSB, आपने देखा होगा कि ऐसा लग ही रहा था कि आ ही जाएगा 2023 में, बट नहीं आया। बट चलो अच्छा है कि इन्होंने जनवरी में रिलीज कर दिया, एटलीस्ट किए तो कम से कम जो स्टूडेंट्स को लग रहा था, चाहे आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, आप किसी भी स्टेट के हो सकते हो, चाहे आप यूपी के हो, बिहार में तो खैर आ ही रहा है, वहां पर यूपी में तो आ नहीं रहा है, तो वहां के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये जो DSSSB वैकेंसीज है ना, इसमें आप किसी भी स्टेट के हो, सबसे पहले मैं यही क्लियर करती हूँ, आप किसी भी स्टेट के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डोमिसाइल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी है, तो 5118, अच्छा खासा है, क्योंकि आप जानते हो केंद्रीय विद्यालय में भी जो वैकेंसीज आई थी 6000 के आसपास ही थी, और यहाँ पर TCET में इतनी वैकेंसीज आ गई वो भी DSSSB में, बहुत बड़ी बात होती है। और एज आपका, सारी डिटेल्स जब आएंगे नोटिस पे, बट फिलहाल के लिए जो होता है, अगर मैं मेल की बात करूँ 32, फीमेल की बात करूँ तो 40, बाकी जो कैटेगरीज होते हैं उसमें छूट होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। सीटेट वाले अप्लाई करेंगे, जी हाँ सीटेट ही कर सकते हैं, अगर आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि 21 जनवरी आपका सीटेट किसी से भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ये कर, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका सीटेट का पेपर 2 पास है। नंबर पहले सुन लो, जनरल कैटेगरी से हो आप, आपके 90, दिल्ली में आप जनरल में अकाउंट हो रहे हो चाहे बाहर, आपका 90 ही चाहिए। अदर स्टेट में ओबीसी एंड जनरल, ओबीसी खास तौर पे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि 82 नहीं 90 नंबर चाहिए। हाँ, दिल्ली में जो ओबीसी में काउंट होते हैं और साथ में जो SC ST हैं, SC ST चाहे दिल्ली के हों चाहे दिल्ली से बाहर के हों, वो अपने ही कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 82 नंबर चाहिए। तो ये आपका सीटेट से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन वही, आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। देखो DSSSB वैसे वैकेंसीज नहीं है ना कि आपको अपीयरिंग वालों को भी मौका दे देगा, इसमें सब कुछ फाइनल होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन एंड साथ में बीएड, तो क्या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डीएलएड 6 to 8 में जा सकते हैं, ये TCET का है, यहाँ पर बीएड मैंडेटरी है, बट आप लोगों के लिए भी वैकेंसीज आने वाली है जितने भी डीएलएड वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सीटेट 21 जनवरी को होने जा रहा है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, एकदम कर सकते हो, क्योंकि इनका फॉर्म जो है फरवरी से स्टार्ट होगा, अभी नोटिस आई है 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, और आपका पेपर है 21 जनवरी को, 15 दिन में आपका रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, नहीं भी आया मार्च के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, तो मतलब 8 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये तो सभी को पता है कि सीटेट ज़्यादा डिले नहीं करेगा, तो पहले ही आ जाएगा। तो जितने भी 21 जनवरी वाले हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इनका जनवरी से फॉर्म नहीं स्टार्ट हो रहा है, 8 फरवरी से, और आपका पेपर ही 21 को, 10 दिन तो वैसे भी रहेंगे आराम से, 10 से 15 दिन में ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो सीटेट अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखना अगर आपका पास होगा तो ही, तो अच्छे से उसको क्लियर कर लेना। दूसरी चीज़ की इसमें कितने वैकेंसीज आई हैं, 5118, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी बीएड वाले हैं वो अप्लाई करेंगे, और किस किस सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा रहता है, तो आपको पता है कि TCET मतलब कि आपने ग्रेजुएशन में जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके साइंस के साथ जो है फिजिक्स के साथ साथ आपका केमिस्ट्री कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि TCET में आपका मैथ्स, आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है इंग्लिश, आपका सोशल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस मतलब साइंस को ही बोलते हैं नेचुरल साइंस, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, ड्राइंग टीचर, इतने पोस्ट पे आई है, तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट मतलब मैं आपको बताऊंगी अभी 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप TCET नेचुरल साइंस से फॉर्म भरोगे, तो नेचुरल साइंस का मतलब कि ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी है ना वो आपका 2 साल तक होना चाहिए। अब कुछ लोग ऑनर्स कर लेते हैं जैसे कि हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश, तो वो 3 साल होता है, तो वो भी चलेगा, बट याद रखिएगा मान लो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, जूलॉजी,
जो नेचुरल साइंस से अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन में, जो भी आपका इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, आप आराम से टीजीटी नेचुरल साइंस से भर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर करते हैं, अगर आपने फिजिक्स दो साल से भरा है, दो साल तक पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो। केमिस्ट्री आपने दो साल तक पढ़ा है, मैथ्स आपने दो साल तक पढ़ा है तीन साल में से, तो आप आराम से कर सकते हो। चाहे आप जूलॉजी हो, लाइफ साइंस, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। अगर इसका पूरा डिटेल में चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर मैं पूरा इसका नोटिस भेज दूंगी। बात कर लेते हैं सोशल साइंस, क्योंकि ये सबसे होता है कन्फ्यूजन वाला। जितने भी कॉमर्स वाले हैं ना, आपको टेंशन नहीं लेना, आप सब लोग सोशल साइंस टीजीटी भर सकते हो। देखिए, इन्होंने दिया है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिक्स। इन सब में से देखें, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिक्स, कॉमर्स वाले पढ़े ही होते हैं, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री दो साल तक पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस दो साल तक पढ़ा है, जियोलॉजी पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है दो साल तक, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के टीचर बनते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये लैंग्वेज का है, तो आपका भी इसमें से कोई भी सब्जेक्ट दो साल तक आपने पढ़ा हो या फिर तीन साल तक भी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि इसमें दो साल तक पढ़ा होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया जाए कि हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बीएड वाले अप्लाई करेंगे। अब रही बात तो फिर डीलेड वाले कहाँ जाए, डीलेड का तो इसमें पहले हटा दिया, तो देखिए डीलेड वालों को परेशान नहीं होना है। डी ट्रिपल एस बी में जो वैकेंसीज आती हैं वो एक ही साथ नहीं आती है, इन्होंने टीजीटी का किया है 5118, इसके बाद से पीआरटी का आने वाला है, तो कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है कि पीआरटी की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग से इनका जारी होता है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे एक ही बार भर्ती निकाल दो उसमें सभी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें टीजीटी आ गया है, उसके बाद आपका पीआरटी आने वाला है, पीआरटी में भी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। देखिए डी ट्रिपल एस बी जैसे नहीं पता है, दिल्ली में आपको परमानेंट टीचर आप इसे बनेंगे, और आपका ट्रांसफर वगैरह जो भी होना होगा वो दिल्ली में ही होगा, अदर स्टेट में नहीं होगा। जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, आप इसमें आराम से जो है जा सकते हो। टीजीटी पीआरटी इन बहुत अच्छी, ये आपको पता ही है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, साथ में ज़्यादा ट्रांसफर का भी कुछ वो नहीं है, आसपास के स्कूल्स में आपका ट्रांसफर होता रहेगा, और मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के लोग जा सकते हैं, कोई डोमिसाइल नहीं है, बस सीटेट आपका होना चाहिए और कुछ क्राइटेरिया जो कि ये आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एग्जाम कब तक होगा, तो आपको पता है कि मार्च तक आपके पास एनफ टाइम है, अभी आपको पता चल गया, फरवरी मार्च, वैसे भी 2 से 2.5 महीने का समय मिलता ही है, तो आप देखें तो आपका अप्रैल लास्ट या मई में हो सकता है इसका पेपर, तो आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा समय है, और इसके पहले पहले तक पीआरटी की वैकेंसीज आ जाएगी, ये भी आपको 5 से 6 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। तो पीआरटी में तो केवल डीएलएड जा सकते हैं, अब बीएड नहीं जा सकते हैं, सेम जैसे, ठीक है। अब पीआरटी में आपका सीटेट का पेपर बन चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगी कि जितने भी सीटेट वाले हैं ना, अभी से 21 जनवरी का अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि पीआरटी की तो वैकेंसी भी नहीं आई है, आपका पेपर हो जाएगा तब आएगा, तो सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो अच्छे से करो। बाकी जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, एंड नोटिस मैं इसका भेज दूंगी, ऑफिशियल जो आया है न्यूज़पेपर में जो निकला है, टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।